पाना के हाँ।
किया गया कि अमल करने के बाद गफलत
तकाज़े फरासत नहीं है, बल्कि अमल की अंजामदेही के बाद तहफ्फुज़े अमल भी एक मरहला है, हिफाजत अमल भी एक मरहला है। इसलिए कि आमाल दौलत की तरह है, ये दौलत आखिरत है, और लुटने का खतरा उसी को होता है जिसके पास दौलत होती है। तो दौलत आमाल के बाद, दौलत अमल आमाल के बाद गाफिल हो जाना तकाज़े ज़हानत और तकाज़े फरासत नहीं है। जो जितना ज्यादा पाबंद सौम सलात हो, उसे उतना ज्यादा होशियार रहना चाहिए कि हमारी नमाज बाकी रहे, हमारा रोजा महफूज रहे, हमारा हज बाकी रहे, हमारी ज़कात महफूज रहे। और फिर मुतानब्बे किया और होशियार किया कि शिर्क वो एक गुनाह अज़ीम है कि जिसकी वजह से सारे आमाल बर्बाद हो जाते हैं। मैं कल अर्ज कर चुका हूँ कि ये शिर्क एक तरह की बदअकीदगी का नाम है। शिर्क वही होता है जहाँ अकीदे तौहीद में कमी होती है, शिर्क वही होता है जहाँ अकीदे वहदत में खामी होती है। असलन पैगाम ये दिया कि अमल करना और है, तहफ्फुज़े अमल करना और है, और तहफ्फुज़े अमल का जरिया अकीदा है। इसलिए कि अकीदा सिफर आमाल का नाम है, अकीदा मुहाफ़िज़े आमाल का नाम है, अकीदा निगरान आमाल का नाम है। इसीलिए पैगंबर इस्लाम ने जिस मस्जिद में मसाइल दीनिया को बयान किया, उसी मस्जिद में मैं कल अर्ज कर चुका हूँ फजाइल आले मोहम्मद को बयान किया। मसाइल बयान करने का मकसद यह है कि अमल सही रहे, फजाइल बयान करने का मकसद यह है कि अकीदा सही रहे। और हर साहिब असल के लिए जरूरी है कि जैसे वो देखता है कि उसने वजू सही किया कि नहीं, उसने नमाज सही पढ़ी कि नहीं, उसने क़याम सही किया कि नहीं, रुकू के बाद क़याम का मुतसिल रुकू है कि नहीं, उसका सजदा सही है कि नहीं, उसी तरह वो ये भी गौर करता रहे कि जिस अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है उस अल्लाह का अकीदा सही है कि नहीं, जिस नबी ने नमाज सिखाई है उस नबी का अकीदा सही है कि नहीं, जिस इमाम ने नमाज बचाई है उस पर अकीदा सही है कि नहीं। अकीदा होना और है और सही अकीदा होना और है। जैसे अमल करना और है, सही अमल करना और है, वैसे ही अकीदा होना और है, सही अकीदा होना और है। क्या ईसाइयों का अल्लाह का अकीदा नहीं, क्या यहूदियों का अल्लाह का अकीदा नहीं, का अकीदा है मगर सही नहीं। तो जैसे तौहीद के अकीदे के लिए शर्त के सही हो, नबूवत के अकीदे के लिए शर्त सही हो, वैसे ही विलायत के लिए अकीदे के लिए भी शर्त है कि सही हो। भाई अल्लाह को अल्लाह मानने के बाद अगर कोई अल्लाह की सिफत पर शक करे तो ये अकीदे तौहीद की खराबी है। तो अब अगर कोई अली को वली मानने के बाद अली के इख्तियार पर शक करे तो बयान किए कि आमाल सही रहें, फजाइल आले मोहम्मद बयान किए कि अकायद सही रहें। और ऐसा नहीं है कि मसाइल मस्जिद में बयान किए हों, फजाइल घर जाके बयान किए हों, मसाइल मजमे में बयान किए हों, फजाइल तन्हाई में बयान किए हों, मसाइल मेंबर पर बयान किए हों, फजाइल घर के अंदर बयान किए हों। भाई जिस मेंबर से मसाइल बयान किए उसी मेंबर से फजाइल बयान किए। तो सुनिएगा, जिस मेंबर से नमाज की फजीलत और रोजे के मसाइल, हज के मसाइल, उसी मेंबर से फजाइल अहले बैत बयान किए, और इतने ताकीद के साथ फजाइल के पैगंबर बैठे हुए मसाइल दीनिया बयान कर रहे हैं, मसाइल नमाज बयान कर रहे हैं, मसाइल रोजा बयान कर रहे हैं, कि एक बच्चा मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और दामन एबा हुसैन इब्न अली के पैरों से मिला, हुसैन इब्न अली के दामन से, दामन कदमों से दामन इबा वाबस्ता हुआ और फर्श मस्जिद में जज्बे इमामत के बोसे लिए, हुसैन फर्श मस्जिद पर तशरीफ ले गए। नबी मेंबर से मसाइल बयान कर रहे थे, मगर जैसे ही हुसैन को इस कैफियत में देखा, मसाइल को रोक दिया, हुसैन को गोद में उठा लिया, आवाज भी हाजिर हुसैन फारिकू, ये मेरा हुसैन ऐसे पहचान लो। तो मसाइल को फजाइल पर तरजीह नहीं दी है, फजाइल को मसाइल पर तरजीह। सलाम भेजे मोहम्मद अल्लाह।
उसी मजमे में फजाइल बयान किए। ऐसा नहीं है कि मसाइल दुश्मनों के बीच में बयान किए हो, फजाइल दोस्तों के बीच में बयान किए हो, मसाइल गैरों के बीच में बयान किए हो, फजाइल अपनों के बीच में बयान किए हो। नहीं भाई, एक ही मजमा है, मस्जिद नबवी छलक रही है और मस्जिद के दरवाजे पर शहर इल्म का दरवाजा नजर आया। आवाज दी, या अली हुक्का तकवा वल ईमान, या अली तेरी मोहब्बत तकवा है, तेरी मोहब्बत ईमान है, वकुफा कुफ्र व निफाक, तेरी अदावत कुफ्र है, तेरी अदावत निफाक है। फिर अली को देखा, हुक्का अली ने बाधा, फिर अली को देखा, ये हसन तू इमाम है, इमाम का बेटा है, ये हसन तू सैयद है, सैयद का लाल है, ये हसन तू इमाम है, इमाम का बर्तन है। और फिर हसन हुसैन गले मिलते नजर आए, फरमाया हसन उमर हुसैन सैयद आशुबादे अहले जन्नत, के हसन हुसैन जमाना में जन्नत के सरदार है। हुसैन नजर आए तो हाजिर हुसैन फारूकू, ये मेरा हुसैन है, इसे पहचानो। फिर देखा तो हुसैन उमिनी वाना मिन हुसैन, मेरा हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूँ। फिर हुसैन को देखा, इन हुसैन अमिन बाहुल होगा बस अभी नुम नजात, बेशक हुसैन हिदायत का चराग है, नजात का सफीना है। बंगलौर में नहीं बयान किए, बॉम्बे में नहीं बयान किए, मद्रास में फजाए नहीं बयान किए, मस्जिद नबवी में बयान किए, असहाब के सामने बयान किए, असहाब के सामने बयान किए। अगर कोई उठ के भागा नहीं, कोई बिगड़ा नहीं, कोई चढ़ा नहीं, कोई गया नहीं कि हमने सुनेंगे फजाइल, तो कल तक सबने सुन लिए। मुझे इतना बताइए, जब औरों को देखा तो क्या बयान किए? भाई मौला को देखा, मधा सना तारीफ तौसीफ फजाए आयतें हदीसें सूरे मनकबत कसीदे, जब औरों को देखा तो क्या कहा? तो नबी चुप नहीं रहे, भाई दोनों तरह की गुफ्तगू की। जब अहले बैत को देखा तो फजाए मनाकिब कसीदे मनकबत हदीसें आयतें, और जब औरों को देखा तो नमाज न छोड़ना, रोजा न तोड़ना, गरीबों को न सताना, यतीमों को न रुलाना, किसी का हाथ न खा जाना, मैदान में छोड़ के भाग न जाना। अहले बैत को देखा, मदा सना तारीफ तौसीफ फजाए कसीदे हदीसे आयतें, औरों को देखा रोकना टोकना छिड़कना डांटना भटकारना, या नबी अल्लाह एक मेंबर
या नबी अल्लाह, एक मेंबर, एक मजमा, एक जबान, एक जमीन, एक जबान, दो तरह की बातें क्या? अहले बैत को देखा, फजाए बयान किए, इनको देखा, मताएं बयान किए। नबी कहना चाहेंगे कि मैं यही तो फर्ज समझा रहा हूँ कि ये जन्नत मांगने वाले हैं, ये जन्नत मस्जिद में बयान किए, और सिर्फ फजाए मस्जिद में नहीं बयान किए, मस्जिद ही को मस्जिद नबवी बनी। सबने अपने अपने दरवाजे मस्जिद में खोल दिए, नबी मेंबर पर गए, आवाज दी सब दरवाजे बंद कर दे सिवाय अली के। लोगों ने कहा या नबी अल्लाह, हमारे दरवाजे बंद करवा रहे हैं, अली का दरवाजा क्यों खुला है? कहना मैंने अपनी मर्जी से तुम्हारे दरवाजे बंद करवाए, और ना अपनी मर्जी से अली का दरवाजा खुला है। जिसका दरवाजा अल्लाह ने चाहा बंद हो गया, जिसका दरवाजा अल्लाह ने चाहा खुला हुआ है। मैं कहूंगा अगर अली का दरवाजा मस्जिद में बंद भी हो जाता है तो मेरे मौला की अजमत पर असर क्या पड़ता है? इसलिए कि मस्जिद काबा नहीं है, मस्जिद नकले काबा है। हमारा जब काबे का बंद दरवाजा अली को न लौट पाया, तो फजाए इसलिए बयान नहीं किए कि फजाए की वजह से अहले बैत हो जाए। अहले बैत मोहताज फजीलत नहीं है, फजीलत मोहताज अहले बैत है। ये फजाए सेहत अकायद के लिए, अब तवज्जो सुनिएगा, फजाए इसलिए बयान हुए कि अकीदा सही हो और कुरान पर अकीदा रखो, इसलिए फजाए बयान किए। इसलिए कि कुरान सिर्फ अहकाम की किताब नहीं है, सिर्फ हलाल और हराम का जिक्र कुरान में नहीं है, सिर्फ नजिस और पाक का तस्किरा कुरान में नहीं है, सिर्फ नमाज और रोजा का जिक्र कुरान में नहीं है। नमाज में माजी भी बयान हुआ, कुरान में माजी भी बयान हुआ, कुरान में आदम का किस्सा भी बयान हुआ, कुरान में नूह की बातें भी बयान हुई, कुरान में मूसा के मोजज़े भी बयान हुए, कुरान में ईसा के फजाइल भी बयान हुए। कुरान ने माजी सुनाया कि माजी में क्या क्या हो चुका है, कुरान ने सुनाया दिखाया नहीं। कुरान ने सुनाया कि आदम दोनों हाथों से खलीफा बने, दिखाया नहीं। तवज्जो से सुनिएगा, कुरान ने सुनाया कि इब्राहिम के लिए आग गुलजार हो गई, दिखाया नहीं। कुरान ने सुनाया कि मूसा का आसा अज़दहा बन गया, दिखाया नहीं। कुरान ने सुनाया कि दाऊद के लिए लोहा मोल हो गया, दिखाया नहीं। कुरान ने सुनाया कि ईसा पैदा होते ही बोले, दिखाया नहीं। कुरान तहरीर लेके आया, तस्वीर लेके नहीं आया, सुनाया। कुरान सुनाता है, दिखाता नहीं। और फितरत इंसानी यह है कि जब तक देख न ले
ایمان قلب نہیں ملتا. اچھا ہم تو ہم, ہماری ذات کیا, ہماری اوقات کیا, ہماری نصاب کیا, جسے اللہ نے نبی بنایا, رسول بنایا, امام بنایا, خلیل بنایا, وہ کہہ رہا ہے پالنے والے ذرا دکھا دے کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں. بھائی جناب ابراہیم کہہ رہے پالنے والے دکھا دے دکھا دے. آواز آئی کیا ابراہیم یقین نہیں ہے؟ کہ یقین ہے, دیکھ لوں گا کہ سبحان اللہ اسے خدا نہ ہوا, دیکھ لوں گا تو اور اطمینان مل جائے گا. تو ابراہیم جیسے کو اطمینان کے لیے دیکھنا ضروری, تو پھر ہم بغیر دیکھے عقیدہ کیسے رکھے؟ قرآن سنا رہا ہے دکھا نہیں رہا, تحریر لایا تصویریں لے کے نہیں آیا. تو اب قرآن نے سنایا, اب اس سنے ہوئے پر یقین کیسے آئے جب تک دکھائی نہ دے؟ اسی لیے ان کے فضائل سنائے گئے کہ قرآن سناتا جائے گا, یہ فضائل دکھا دکھا کے قرآن پر عقیدہ بڑھاتے جائیں گے. بھائی قرآن نے سنایا کہ اللہ نے آدم کو دونوں ہاتھوں سے خلیفہ بنایا, اب اللہ نے دونوں ہاتھوں سے آدم کو کیسے بنایا ہوگا؟ نبی نے علی کو ہاتھوں پر اٹھایا. نعرہ لگانے والوں کو جواب دے رہے ہو, کوئی شرم کی بات نہیں ہے نعرہ. ارے بھائی فرار کا نعرہ نہیں ہے, کرا کا نعرہ ہے, کسی لاپتا کا نعرہ نہیں ہے, لاپتا کا نعرہ ہے. مجھے مانی جون پوری یاد آ گئے کہ دست حق اور دست خیبر گیر دونوں ایک ہے, دست حق اور دست خیبر گیر دونوں ایک ہے, یا علی اور نعرہ تکبیر دونوں ایک ہے. تو قرآن سنا رہا ہے اللہ نے آدم کو دونوں ہاتھوں سے خلیفہ بنایا, اب کیسے بنایا ہوگا؟ نبی نے علی کو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دکھایا, کیسے بنایا ہوگا؟ قرآن نے بتایا کہ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا, کیسے سجدہ کیا ہوگا؟ دریانی پر ستارے کو بھیجا, کیسے سجدہ کیا ہوگا؟ ارے قرآن نے سنایا کہ اللہ نے آدم کے دشمن کو آسمان سے نکالا, کیسے نکالا ہوگا؟ نبی نے اپنے مکان سے دشمن کو نکالا. قرآن سنا رہا ہے, قرآن سنا
کہ ابراہیم آتش نمرود میں گئے اور آگ گلزار ہو گئی, وہ آگ بھی ایسی آگ کہ میلوں اونچائی سے پرندے گزر جاتے تھے تو جل بھن کے اس آگ میں گر جاتے. اب ابراہیم آگ میں گئے ہوں گے, کیسے بچے ہوں گے؟ امام بیٹھا ہے, معصوم بیٹھا ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام کچھ لوگ آئے ہوتا, حضرت ماحول سازگار ہو گیا, حالات سازگار ہو گئے, بنی امیہ کا خاتمہ ہو گیا, راہیں ہموار ہو گئیں, تلوار نکالیں, جہاد فرمائیں, یہ آپ کا حق ہے, مسند اقتدار پر آئیں. فرمایا تم چاہنے والے ہو؟ کہاں حضرت ہم چاہنے والے ہیں. کہا تمہارے جتنے کیسے ہوں گے, تمہارے جیسے کتنے ہوں گے؟ کہا حضرت لگ بھگ 20,000 ہوں گے. کہا محبت کرتے ہیں ہم سے؟ کہاں آپ سے وہی بہن آپ کے چاہنے والے ہیں. کہا تو کہ ہم بھی انہی کے جیسے ہیں. کہا ہم امتحان لیں؟ کہا حضرت بسم اللہ, بہت توجہ سنیے گا, حضرت بسم اللہ. امام نے جلتے ہوئے تنور سے ڈھکنا ہٹایا, کہا اگر محبت ہے تو اس آگ میں کود جائے. نہیں پہنچے آپ, پہنچے اللہ نے طریقہ امتحان امام پہنچے. امام محبت کا امتحان کس طریقے سے لے رہا ہے؟ کہ محبت ہے تو آگ میں چلے جاؤ, محبت ہے تو آگ میں چلے جاؤ, محبت ہے تو آگ میں چلے جاؤ. آپ سمجھے ہم آگ کا ماتم کہاں سے لائے؟ یہ نہیں کہا کہ محبت ہے تو کچھ کانسٹرکٹیو کام کر کے دکھاؤ, محبت ہے تو کچھ غریبوں کے مکان بنا کے دکھاؤ, محبت ہے تو بیواؤں کے گھر اناج پہنچاؤ, محبت ہے تو آگ میں پہنچاؤ. تو کہا حضرت یہ تو جل جائیں گے, یہ کیسا امتحان؟ کبھی دعویٰ نہ کرو. اتنے میں سر پر بوریاں رکھے, بالوں میں خار, چہرے پر غبار, ہارون مکی چلے وہاں سے حضرت کو سلام کیا. امام نے جواب سلام دیا, کہا ہارون ذرا اس آگ میں کود جا. نہ کیوں کہا نہ کیسے. معلوم محب وہ ہوتا ہے جو امام کی بات پر ایسے ویسے نہیں کرتا, ایسے نہیں پوچھتا, کیوں نہیں پوچھتا, جیسے ہی کہا آگ میں کود جاؤ بے خطر طور پر آتش نمرود بھیج. امام نے تنور پر ڈھکنے کو رکھا, اب جو امام کے دائیں بیٹھا تھا اس نے بھی کہا یہ تو چل گیا ہوگا, جو بائیں بیٹھا تھا اس نے بھی کہا یہ پھک گیا ہوگا. معصوم کے پہلو میں شکی ہی ملتی ہے, دائیں بھی شاید بائیں بھی شاید, کیا سنا ہے؟ کود جاؤ. ہارون کودے اور وہ کہہ رہے تو جل گیا ہوگا, یہ تو پھوک گیا ہوگا. حضرت نے تنور کا ٹکنا ہٹایا, اب جو دیکھا تو ہارون سبزی لیے ہوئے علی علی محبوب بیٹھے بچوں آپ کے حوالے چاہ گئے تو سنیے گا, قرآن نے بتایا کہ ابراہیم آگ میں محفوظ رہے. اب ابراہیم آگ میں کیسے محفوظ رہے ہوں گے؟ امام نے بتایا ایسے محفوظ رہے. ان کے بدائے یقین برپور